फ्रेंड्स, अगर आप एक ऐसी गाड़ी की तलाश में हैं जो कि गाड़ी छोटी हो, फ्यूल इकोनॉमी बेहतरीन हो, बॉडी भी अच्छी हो और प्राइस भी बहुत कम हो, फ्यूल माइलेज भी उसका 30-35 किलोमीटर पर लीटर हो, तो आप बिल्कुल सही जगह ठहरे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टोयोटा पिक्सिस छोटी 660 सीसी गाड़ी के हवाले से कि वो गाड़ी पाकिस्तान में किस तरह से मंगाई जा सकती है। फ्रेंड्स, अगर इसके वेरियंट्स के हवाले से बात करें तो टोयोटा पिक्सिस इपॉक जो है वो चार वेरियंट्स में आती है। बी वेरिएंट्स में, जी वेरिएंट्स में, एल वेरिएंट्स में और एक्स वेरिएंट में ये चार वेरिएंट अवेलेबल होते हैं। चारों के चारों 658 सीसी इंजन के साथ ऑटोमेटिक पेट्रोल में अवेलेबल होते हैं। प्राइस में देखा जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर बी को देखा जाए, इपॉक बी जो है वो तकरीबन 21 लाख रुपए यानी कि 21 लाख के दरमियान होते हैं, और जो जी कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा महंगी है इसकी, जो 20.5 लाख से 21 लाख के दरमियान होती है। एल कैटेगरी और एक्स कैटेगरी इसकी लोअर प्राइस कैटेगरी है, जो 12.5 और 11.5 लाख रिस्पेक्टिवली इसकी प्राइस होती है। अब ये गाड़ियां पाकिस्तान में यूज़ OLX पे तो मिल जाती हैं, और टोयोटा में अब लोगों ने रिकंडीशन गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट भी की हुई हैं, आप भी इस गाड़ियों को इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी के सबसे पहले फीचर्स को समझ लेते हैं कि ये गाड़ी है क्या। फ्रेंड्स, अगर इंजन की बात करें तो ये गाड़ी KF डॉक इंजन के साथ आती है। 3 सिलेंडर और 12 वाल्व हैं इसके। हॉर्स पावर 58 हॉर्स पावर है इसकी। CVT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ट्रांसमिशन है इसकी। और स्टेयरिंग की बात करें तो पावर स्टेयरिंग है इसके साथ। ब्रेक फ्रंट इसकी डिस्क होती है, रेयर ड्रम्स होती हैं। टायर्स की बात करें तो 13 इंच के एलॉय रिम इसके साथ हैं और 13 इंच के टायर इसके अंदर मौजूद होते हैं। फ्यूल की बात करें तो ये पेट्रोलियम गैसोलीन के साथ आपको अवेलेबल होती है गाड़ी। सीटिंग कैपेसिटी 4 लोगों की है। डोर्स इसके अंदर 4 होते हैं, एक आपका ट्रंक हो गया, रेयर डोर जो होता है वो आपको अवेलेबल होता है। और अगर इसकी मैं बिल्कुल स्पेसिफिक 660 सीसी के 2022 के फीचर्स की बात करूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, जो छोटी गाड़ी में नॉर्मली नहीं आते पाकिस्तान में, ऑल्टो में देखा जाए या पिकांटो और अगर आप कल्टस भी देखते हैं तो उसमें भी नहीं मिलते हैं, वो है कीलेस एंट्री इस गाड़ी की। पावर विंडोज़ इस गाड़ी में आते हैं, पावर डोर लॉक्स इस गाड़ी में हैं, पावर स्टेयरिंग अवेलेबल है, एलॉय रिम्स आपको अवेलेबल हैं, टिंटेड ग्लास हैं इस गाड़ी में, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इस गाड़ी में मौजूद है, क्रूज कंट्रोल आता है, एयरबैग्स इस गाड़ी में दोनों फ्रंट ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए मौजूद हैं, HID हेडलाइट्स भी इस गाड़ी में मौजूद हैं, फ्रंट एंड रेयर वाइपर्स भी आते हैं, डीफॉगर भी है इस गाड़ी के अंदर, पैडल शिफ्टर भी है, 360 डिग्री सुपर UV IR कट पैकेज भी इसमें मौजूद है, ESS गाड़ी में है, इमरजेंसी स्टॉप सिस्टम, VSA भी है यानी व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट भी इस गाड़ी में है, HAS हिल स्टार्ट असिस्ट भी इस गाड़ी में आता है। अब इस छोटी सी साबुनदानी के अंदर इतना कुछ मौजूद है, अब आप खुद सोचें कि ये गाड़ी किस लेवल की गाड़ी है, और दुनिया में ये गाड़ी छोटी गाड़ियों में 660 इंजन के साथ बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा चुकी है। इसकी इंटीरियर की स्पेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्पेस इस गाड़ी में मौजूद है, बहुत लग्जरियस गाड़ी अंदर से मालूम होती है, बहुत खूबसूरत भी है। और कलर्स देखें इसके, कितने ज़्यादा कलर्स में ये गाड़ी अवेलेबल है, तकरीबन 8 से 10 कलर्स में ये गाड़ी अवेलेबल है। अब ये गाड़ी पाकिस्तानी मार्केट में कम्पीट करेगी ऑल्टो को, पिकांटो को और डायहाट्सू की मीरा को, बहुत सारी गाड़ियों को। देखते हैं ये गाड़ी पाकिस्तान में कब आती है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।